गुड इवनिंग एवरीवन। हाय अमरिंदर सिंह, कैसे हो? आई होप काफी अच्छे हो गए। लाइक फाइनली कल भैया IBPS RRB क्लरिकल का मेंस है। बैंक में था तो एक दो लोगों ने फोन किया। एक को तो उठाया, बोला भाई रख दे फोन, कैश पे बैठा हूँ। एक को बात करा ब्रेक टाइम में, एंड उसका ऐसा रिएक्शन था कि सर मैं मॉक दे रहा हूँ, मॉक में मेरे 127 ही आ रहे हैं और कट ऑफ तो काफी हाई गई थी लास्ट ईयर की। सर समझ नहीं आ रहा कि कैसा करूं पेपर, क्या करूं। जीए तो सर मैंने 5 महीने का पढ़ लिया, मगर अभी ऐसा लग रहा कि मैं भूल रहा हूं पूरा। मतलब लिटरली उसकी कहानी सुन के ना मेरे को मेरी कहानी रिवाइंड हो रही थी कि भैया हम भी ऐसे ही इंसान थे। उसके अलावा मेरा भी नेक्स्ट वीक में RRB ऑफिसर स्केल 1 का एग्जाम है मीन्स, बट साला 30 तारीख को क्वार्टर एंडिंग चलेगा तो मुझे पता नहीं छुट्टी मिलेगी भी नहीं या नहीं मिलेगी। पता नहीं, कुछ जुगाड़ जमानी पड़ेगी, सेटिंग करनी पड़ेगी कुछ। बहुत लोग सोच रहे होंगे क्योंकि मॉक पे स्कोर कम आ रहे हैं, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि यार कैसे करेंगे, कल कल जीए कितना पूछेगा, कंप्यूटर डीप तो नहीं पूछ लेगा। लास्ट ईयर लास्ट टू लास्ट ईयर पूछा गया था मेरे टाइम पे, या आप जीए में एकदम स्कीम्स वाले क्वेश्चन तो नहीं आ जाएंगे। सबको चूरे में जान दो, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, सबको चूरे में जान दो, सबको तेल लगा दो। क्योंकि मुझे बताओ, आपके सोचने से एग्जाम तो सेटअप होने वाला है नहीं, आपके सोचने से भैया पेपर तो आने वाला है नहीं। तो अपना दिमाग काय को खर्च कर रहे हो, दिमाग को शांत रखो, क्योंकि आज की रात जितनी शांत होगी ना, कल उतनी सुकून वाली रात जाएगी, कल उतना ही सुकून में दिन मिलेगा। आज अगर नर्वस हो गए ना, वो गाना भी ना शाहरुख खान का, आज की रात, तो जितना शांत रहोगे आज के दिन उतना कल फायदा और उतना ही अच्छा पेपर करोगे। अब मैं बेवकूफ नहीं बैठा कि मैं ऐसे गाने गा रहा हूँ यूट्यूब पर बैठ के, ऐसे जस्ट आप लोग के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मैं भी एक एस्पिरेंट था, जॉब लग गई, बट फिर भी हूँ, मानता हूं मैं अपने आप को। और मैं समझ सकता हूँ कि किस कंडीशन में हम लोग होते हैं एग्जाम से एक दिन पहले, एक दो दिन पहले, क्योंकि मुझे पीर प्रेशर होता ना हमारे ऊपर कि भैया अभी तक जॉब लगी नहीं है, चलो पहला प्री क्वालिफाई हो गया, या इतने प्री क्वालिफाई हो रहे, मैं क्वालिफाई मतलब मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा, इसका मेंस निकाल दो, डायरेक्ट जॉब है अपने हाथ में। प्लस फैमिली का प्रेशर, प्लस आपकी सराउंडिंग एनवायरनमेंट का प्रेशर, भाई साहब आम आदमी ये प्रेशर झेल नहीं सकता। तो हम एक एस्पिरेंट है, हमें पता है कि कितना होता है। तो मेरे हिसाब से आज का दिन जितना लाइट रहोगे उतना बेस्ट है। आप आज वो सब चीजें करो, लाइक अपने मम्मी पापा से बातें करो, शेयर करो कि मम्मी कर मैंने पढ़ाई तो कर लिया हो मगर नहीं हो सका हो, मतलब उनसे बातें करो, उनसे कम्युनिकेट करो। क्योंकि मेरे साथ, मैं जब था तो मैं अपनी मम्मी से बहुत कम्युनिकेट करता था। मेरी मम्मी बड़ी एकदम फ्रैंक टाइप थी, पापा तो चिल थे बट मम्मी ज्यादा फ्रैंक थी मेरी, तो उनसे सारी बातें करता था। और मैं पढ़ाई की बात नहीं करता, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंडों की बातें करता था। तो सीधा सीधा पॉइंट है, क्योंकि मेरे को आज के दिन जितना मैं लाइट रहूंगा मैं उतना बेटर पेपर करूंगा, तो आपको यही बोलूंगा। और एग्जाम टाइम में ना कभी भी अपने बगल वाले लोगों से बात नहीं करना ज्यादा, अपनी वाहवाही मत दिखाना कि मैं तो इतना अटेम्प्ट कर रहा था, इतने मेरे को आए। पेपर होने की बात करो, और मेरे हिसाब से कल जो आपका सबसे स्ट्रांग सेक्शन है ना उससे अटेम्प्ट करना। और मेरे को लगता है रीजनिंग बहुत ललचाने वाला आएगा, ट्रिकी क्वेश्चन उसमें एक पजल का निकलेगा, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं। एक पजल ऐसी ट्रिकी आएगी जो दिखने में बड़ी लालच देगी मगर वो ट्रिकी होगी, उसको अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सोच लेना। और रीजनिंग में जितना कम टाइम दोगे ना उतना टाइम आपको मैथ्स सेक्शन में मिलेगा, और मैथ्स कल के इसमें लेंदी आने वाला है। तो ये चीज सोच लो, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है चाहे मैथ्स या रीजनिंग, रीजनिंग इजी आएगा, मैथ्स थोड़ा ट्रिकी बनेगा मगर डुएबल होगा। तो पेपर को हिसाब से करो। इंग्लिश हिंदी वालों को सिर्फ एक ही एडवाइस दूंगा, कल एंड टाइम पे कुछ हीरोइक पंती मत करना कि मेरे को इंग्लिश में तो नहीं आ रहा, चल मैं हिंदी ट्राई करता हूँ एग्जाम में। बेटा ऐसी बजेगी तुम्हारी ना पुंगी, अगर कुछ भी ट्राई किया बहुत गंदी बजेगी, ठीक है? बाकी लास्ट में ऑल द बेस्ट, जितना पढ़ लिया पढ़ लिया, बाकी क्या चूरे में, मैं बेस्ट टू, मैं जितना पेपर आएगा मैं उतना करके आऊंगा, फोकट के अटेम्प्ट नहीं मारूंगा, अक्यूरेसी पे खेलूंगा। बाकी ऑल द बेस्ट, कल एग्जाम आने से जरूर दूंगा, तो चैनल को सारो सब्सक्राइब कर लो मेरे, और कुछ नहीं बोलूंगा। बाकी चलो कोई बात नहीं, मजाक का पार्ट है, बाकी आप लोग के लिए ही वीडियो था, क्योंकि नेक्स्ट वीक तो मैं खुद ही ऐसे कंडीशन में रहूंगा। तब तक ले जय श्री राम, राम राम।